नमस्कार, कैसे हैं सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री के लेक्चर में आपको जलालुद्दीन का बायोग्राफी जो था मैंने बता दिया था। आज जलालुद्दीन के बारे में बात करेंगे, कैसे अपने चाचा को मारकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और फिर से वो जैसे बलबन वाली नीति थी, क्रूर नीति, जनता पर जो है क्रूर शासन होना, अलाउद्दीन कैसे फिर से क्रूर शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर बैठ के जनता पे, उसके बारे में हम डिटेल जो है देखेंगे। इसके दो पार्ट मैंने बनाया है, इसके दो पार्ट आपको होंगे। एक तो पूरा का पूरा इसका जो राज्य विस्तार की नीति थी उससे रिलेटेड पूरा रहेगा, जहाँ जहाँ इसने आक्रमण किया, और दूसरा पार्ट होगा इसका पूरा प्रशासन कार्य कैसा था, कर व्यवस्था कैसी थी, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में रहेगा। तो आज पहला पार्ट हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको जितने भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, जहाँ आपको सभी वीडियोज क्लासेस जो हैं फ्री हैं। अगर इन सभी वीडियो क्लासेस के आप नोट्स चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो आपको PDF सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जो 3 मंथ तक वैलिड रहेगा, जो मात्र 499 रुपये का है। आप इसे परीक्षा प्लस ऐप से परचेस कर सकते हैं। चलिए, हम आप देर ना करते हुए सेशन पे आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि जलालुद्दीन का भतीजा रहता है। तो जो लोग लेक्चर देख रहे हो ना, पहले क्या करो कि क्योंकि मेरा जो भी सेशन होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है, जब तक दूसरा देखोगे नहीं, पिछला वाला देखोगे नहीं, आगे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने कुछ इसकी बातें जो इसका डिटेल है वो मैंने पहले ही लेक्चर में दे दिया रहता हूँ, कि जब भी दूसरा पढ़ाता हूँ उसी में उसको इंटरकनेक्ट कर देता हूँ लोगों को। तो जब भी कोई देखो मेरा लेक्चर तो शुरू से देखो, जब से मैंने मेडिवल हिस्ट्री जो है शुरू किया है, सब शुरू से, एक जो है पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे करके जब सभी क्लासेस देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा। चलो तो शुरू करते हैं। मैंने बता दिया था अलाउद्दीन के बारे में कि ये जलालुद्दीन का भतीजा रहता है और सियाबुद्दीन का पुत्र रहता है, और दोनों, जब जलालुद्दीन को पता चलता है कि मतलब कि ये सही से राज नहीं कर पा रहा है, तो अलाउद्दीन पूरा व्यवस्था बनाता है, अपने चाचा जान को मार देता है। उसके बाद से इनके हम समय काल को देख लेते हैं कि इनका समय काल क्या रहता है। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन की मौत हो जाती है 1296 में, कांडा बना बुला के ये अलाउद्दीन उसको मार देता है। उसके बाद से अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है और दिल्ली में अपना जो है क्या करता है, राज्य अभिषेक कराता है। कहाँ पे कराता है? बलबन का जो लाल महल होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन अपना राज्य अभिषेक किस महल में कराता है, तो बलबन का जो लाल महल होता है वहां पे कराता है। इसका टाइम पीरियड 1296 से लेके 1316 तक रहता है। इसने कौन कौन सी, इसका आपका वास्तविक नाम पूछता है कभी कभी कि अली गुरसाप, ठीक है ना, इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसाप। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अली गुरसाप किसका नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम था, ठीक है। उसके बाद से इसने और कुछ जो है उपाधियां धारण की थी, मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था वो कौन कौन सी उपाधि थी। एक तो थी सिकंदर ए सानी, मैंने बता दिया ये अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था। इसका मतलब होता है सिकंदर ए सानी का मतलब दूसरा सिकंदर बोलता था, क्योंकि इसने पूरे भारत भारत पे जो है आपका विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है। कुछ भी इससे बचा नहीं था, बहुत कम ही बचा होगा, मगर इसकी जो इच्छा थी कि पूरा भारत में विजय हासिल कर लूं, तो इसका इच्छा पूरा हो जाता है। और कौन कौन सा जो है इसने उपाधि ली थी, यामनी उल खलीफा तथा नासिरी अमीर उल मोमनीत की उपाधि इसने धारण किया था। ये दो आपको उपाधि है, यामनी उल खलीफा तथा नासिरी अमीर उल मोमनीत की उपाधि इसने धारण की थी। तो इसे आप लोग याद रखना, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछता है तो कि ये उपाधि किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं ये आपको दिखा दे रहा हूं, थोड़ा इसका ब्राइटनेस कम करता हूं। ये पूरा का पूरा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का जो है पूरा राज्य विस्तार, कहां से कहां तक उसका राज्य था, उसके बारे में आपको डिटेल दिखा दे रहा हूं। देखिए, यहां पे काबुल, पेशावर से लेके ये मुल्तान है, ये दिल्ली है, यहाँ अवध है आपका, यहाँ प्रयाग है, यहाँ बंगाल है पूरा, मतलब कुछ भी इससे बचा नहीं था। और मैं बता दूं, यहाँ देखिए दौलताबाद आपका हो गया, ठीक है, देवगिरी जिसे बोलते हैं, ठीक है, आपका महाराष्ट्र में, यहाँ वारंगल आपका तेलंगाना जो इस समय है, उसके बाद से यहाँ पे द्वार समुद्रा कर्नाटक में है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मदुरई तमिलनाडु में, मतलब कोई इससे बचा नहीं था कि इसका अभियान कहीं गया ना हो। तो इसका जो साउथ का जो अपने एम्पायर एक्सटेंड किया था साउथ में, ठीक है, ये यही जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, अपना साउथ तक एक्सटेंड किया था, पूरा का पूरा साउथ हुआ आपका, पूरा ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, सब कुछ इसने जो है कवर कर रखा था। तो ये आपका पूरा का पूरा अलाउद्दीन खिलजी का जो है सल्तनत
जो है राज्य कहाँ तक विस्तार किया था, ये रहा आप देख ले सकते हैं इस पूरे के पूरे मैप में, मैं मैप दिखा दिया हूँ, ये आपका उसका पूरा राज्य विस्तार था। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान देख लेते हैं कि किसका किसमें किसमें इसका वर्णन है, इसके विजय अभियान का कहाँ कहाँ इसने आक्रमण किया था। तो देखो इसका तो मेन जो आक्रमण करने की नीति थी वो क्या थी, साम्राज्यवादी नीति थी, कि मतलब हमें अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। मैं ब्राइटनेस इसे फिर से कर दे रहा हूँ। क्या इसकी नीति थी कि साम्राज्य को हमें बढ़ाना है, इसीलिए इसकी जो नीति थी वो साम्राज्यवाद नीति थी। अमीर खुसरो की एक ग्रंथ है जिसका नाम है खजाइन उल फतूह, ठीक है, खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान का जो है वर्णन मिलता है, जहां जहां इसने आक्रमण किया वो अमीर खुसरो का जो है जो किताब है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अमीर खुसरो इनके समकालीन थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे, अगर ऑप्शन आपके दिया रहता है तो अलाउद्दीन, ठीक है, खिलजी के जो है समकालीन थे। उसके बाद से बरनी की एक किताब है फतवा जहांगीरी तथा तारीखे फिरोजशाही, इसमें भी अलाउद्दीन के अभियानों का जो है जिक्र मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे दिल्ली की गद्दी पर यह बैठता है और इब्राहिम, मैंने बताया ना कि उनकी जो जलालुद्दीन की बीवी रहती है अपने छोटे पुत्र को सुल्तान घोषित कर देती है कुछ दिन के लिए, फिर बाद में ये आरकली और अलाउद्दीन खिलजी मिलकर उसे हरा देते हैं, तो वो क्या करता है अपना बोरिया बिस्तर बांध के मुल्तान चला जाता है जहां पे आरकली रहता है, ठीक है। तो जब सुल्तान ये बनता है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये क्या करता है कि पहले उनके परिवार को, अपने चाचा जान के परिवार के सभी सदस्यों को मरवा देता है। ये किसमें मिलता है, एक इसामी फरिश्ता क्या किताब है उसमें बताया गया है कि उलुग खां को भेजकर जो है ना अलाउद्दीन खिलजी मुल्तान पर अभियान करता है जहां जलालुद्दीन खिलजी के परिवार को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक, कि मतलब कोई फिर से विद्रोह करने वाला ना रहे, कि हम मतलब हमारे पिताजी के गद्दी पर बैठे हैं तो ये गद्दी हमारी हुई तो उनके बच्चे विद्रोह ना करें, इसलिए उनके पूरे परिवार को खत्म कर देता है। चलो देख लेते हैं कि इसके जो साम्राज्यवाद का जो नीति थी उसके अभियान में कौन कौन से लोग इसके बहुत लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, कौन कौन से सेनापति इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, एक उलुग खां रहता है, ये नुसरत खां रहता है, अल्प खां रहता है, जाफर खां रहता है, ठीक है, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपके आगे बताऊंगा कि कैसे ये लोग आक्रमण करते हैं मैक्सिमम, जैसे आपका ये जाफर खां मलिक कफूर, तो ये आपका मलिक कफूर, अल्प खां, ये पूरा साउथ में जाते हैं ये लोग, ठीक है, साउथ के जितने भी राज्य होते हैं उनको जीतते हैं, और आपका ये उलुग खां अनुसरत खां, ये लोग आपके जब उत्तर में अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय ये लोग जाते हैं पूरा उत्तर में जो जितने भी साम्राज्य होते हैं उसको अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं, तो इनका काफी रोल रहता है। मलिक कफूर ये जो था, मैंने आपको रजिया सुल्तान जब पढ़ाया था तो वहां इथोपिया का जिक्र किया था, अब सीनिया नामक एक जगह है इथोपिया में, वहीं का एक दास होता है याकूत जो रजिया सुल्तान के समय में रहता है, वहीं का मलिक कफूर भी रहता है, ये जो है थर्ड जेंडर रहता है। तो इसे मलिक कफूर को आपका जो नुसरत खां है वो खरीदा रहता है, जब ये गुजरात अभियान करता है ना उसी समय मलिक कफूर को ये खरीदता है 1000 दिनार में, ठीक है, वहां जब अभियान करता है गुजरात पे तो वहां पे से काफी संपत्ति पाता है, क्योंकि वहां मंदिरे सोमनाथ को मंदिर को फिर से लूटता है नुसरत खां, तो वहां से जो धन दौलत मिलता है उससे 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीद लेता है, इसीलिए इसका नाम जो मलिक कफूर का नाम है 1000 दिनारी भी बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है तो आप क्या कह सकते हो, मलिक कफूर को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब इसकी ब्राइटनेस कम कर देते हैं और मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में बता दे रहा हूं कि कहां कहां इसने अभियान किया था। ये देख लीजिए फिगर में कि कैसे आपका पूरा का पूरा उत्तर में अभियान जो है किया, उसके बाद से आपका पूरा साउथ में अभियान कैसे कैसे किया, उसके बाद से मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बाद में ऐसे चलेंगे कि कहाँ जाता है और कहाँ पे किसको हराता है, कौन सी उपाधि उसको देता है, कहाँ से किसके बीच कौन कौन सी संधि होती है, वो सब देखेंगे हम बाद में। देखो ये जो है आपका दिल्ली है, यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं, पूरा अलाउद्दीन खिलजी का अटैक के बारे में है। 1296 में ये बैठते हैं, 1299 में ये पहला अपना अटैक करते हैं, कहाँ अटैक करते हैं ये 1299 में आपका आते हैं, कहाँ पे, गुजरात पे आते हैं, ठीक है, इनका जो पहला अटैक होता है वो कहाँ होता है, गुजरात में होता है। और यहाँ पे राजा कौन होते हैं, यहाँ के जो राजा होते हैं, अगर हम किंग बोलें तो यहाँ पे राजा रहते हैं कर्ण बघेल, ठीक है, यहाँ के राजा होते हैं कर्ण बघेल, ठीक।
कर्ण बघेल राजा रहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही आक्रमण होता है यहाँ पे किसे भेजा रहता है, यहाँ पे उलुग खा को, मैंने बताया आपको, उलुग खा और नुसरत खान दोनों सेनापति अलाउद्दीन के जो सेनापति होते हैं वो उनको भेजता है यहाँ पे गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। और जैसे ही आक्रमण होता है जो है आपका कर्ण बघेल है यहाँ से भाग कर कहाँ चला आता है, देवगिरी चला आता है, यहाँ पे जो है शरण ले लेता है रामचंद्र देव के यहाँ। ठीक, तो वहाँ पे तो ये लोग जीत जाते हैं पूरा पूरा गुजरात। उसके बाद से गुजरात जीतने के बाद आपका जो और भी सूरत उरत जितना होता है सबको तहस नहस कर देते हैं, जितने मंदिर होते हैं सब तोड़ ताड़ देते हैं, वहाँ से जितने भी धन संपत्ति मिलती है उसी में से, मैंने बताया ना आपको, यहीं पे नुसरत खां किसको खरीदता है, आपको मलिक कफूर को खरीदता है, जो अफसैनिया का एक गुलाम होता है उसको खरीदता है, एक ट्रांसजेंडर होता है उसको खरीद कर 1000 दिनार में, इसीलिए उसे 1000 दिनारी बोला जाता है, दिल्ली लेके जाता है। जब इस समय अभियान करने आते हैं उसी समय आपका जैसलमेर और सोनपुर पर भी अटैक कर देते हैं ये लोग। उसके बाद से जो दूसरा इसका अटैक होता है 1299 के बाद 301 में रणथंभौर पे होता है, ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान में रणथंभौर में होता है, जहां पे जलालुद्दीन इसके चाचा जो है सफल नहीं हो पाए थे अटैक करने पे, तो वहां पे ये सफल होता है। यहाँ के जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं वो कौन होता है, यहाँ पे जो राजा होते हैं आपके हमीर जो होता है, हमीर देव चौहान होते हैं रणथंभौर पे। ये आपके यहाँ पे भी उलुग खां और नुसरत खां को भेजा गया होता है, मगर जब लड़ते हैं हमीर देव चौहान से तो नुसरत खां मारा जाता है। जब मारा जाता है तो अलाउद्दीन फिर से दिल्ली से जो है खुद आता है और इस लड़ाई में भाग लेता है, ठीक है, इस लड़ाई में भाग लेता है और आपका हमीर देव चौहान जो है मारे जाते हैं। और मारे जाते हैं क्यों मारे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के जो है सेनापति में से दो लोग इनके साथ क्या करते हैं, गद्दारी कर देते हैं, जो राजपूत होते हैं उन्हीं के सेनापति से दो लोग गद्दारी कर देते हैं, जिसके कारण तुर्क सेना जो है पूरा तरह रणथंभौर में चली जाती है। ठीक है, अब पूछोगे सर आक्रमण करने का जो है कारण क्या था, आक्रमण करने का कई कारण था, एक तो अलाउद्दीन का यह था कि मुझे अपना साम्राज्य विस्तार करना था, दूसरा ये कारण था बोला जाता है कि जब गुजरात आक्रमण हुआ था तो यहाँ से जो धन मिला था उसका जब बंटवारा होना था तो तुर्क और मंगोल, जो मैंने बताया था ना न्यू मुस्लिम जो थे आपके दिल्ली में, जो मंगोलपुरी नाम था, जो 4000 आपके मंगोल इस्लाम धर्म अपना कर बस गए थे, उनके बीच कुछ मतभेद हो जाता है कि भैया जो धन दौलत लाए हो कुछ हमें भी दे दो, हम भी जिए खाएं, तो धन बंटवारा नहीं होता है तो अलाउद्दीन की जो सेना होती है वो उनको खदेड़ देती है, तो वो लोग आके छिप जाते हैं कहाँ, रणथंभौर में हमीर देव के यहाँ। ठीक, तो ये पता चलता है जब अलाउद्दीन को कि उसने मंगोलों को जो है सहायता दिया है, तो वह क्या करता है, तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भेजा जाता है। तो यह भी कारण था, प्लस एक साम्राज्य विस्तार का कारण तो था ही। अब हमीर देव की मृत्यु हो जाती है, नुसरत खां भी यहां मर जाता है, और इनकी जो बीवी होती है, कहा जाता है कि इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी गए थे, और अमीर खुसरो ने अपने किताब में यहाँ के युद्ध का वर्णन किया है, और साथ ही साथ ये बताया है कि यहाँ पे जो इनकी बीवी हमीर देव चौहान की होती है रंगा देवी, वो जौहर कर लेती हैं, आग में कूद कर जान दे देती हैं। तो पहला जौहर आपका जो बोला जाए, जौहर जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, हमीर देव चौहान की जो बीवी थी उनके हुआ था। ऐसा नहीं है, इससे पहले हुआ था, मैंने आपको बताया था कि किसकी, जब आपका अरब इन्वेजन में पढ़ा रहा था तो जब उसमें आपका मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है, कहाँ पे आपका सिंध पर अटैक करता है, जब रावण का युद्ध होता है वहाँ पे दाहिर की जो बीवी होती है लाडी देवी जिनका नाम रहता है, वो भी जौहर करती हैं। तो पहला जौहर तो वो भी है, मगर ये दिल्ली सल्तनत का अगर बोला जाए जौहर, तो ये पहला जौहर इनका है रंगा देवी का। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे विजय प्राप्त कर लेता है, विजय प्राप्त करने के बाद 301 के बाद अब ये पहुंचता कहाँ पे है भैया, 303 में राजस्थान में ही चित्तौड़ पे चलता है। चित्तौड़ पे आक्रमण करने का क्या कारण था, चित्तौड़ पे आक्रमण करने का भी उसका दो बोला जाता है, एक पहला तो कारण ये था कि भैया साम्राज्य को हमें विस्तार करना है, विद्रोह जो हो रहा है उसे दबाना है, और दूसरा कारण ये था कि एक राघव चेतन नाम का जो है आपका पंडित रहता है, वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है और कहता है कि भैया जो चित्तौड़ की रानी है ना बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो अलाउद्दीन को जो शौक था, स्त्रियों का काफी शौक था, इसे स्त्री का मदिरा का इन सब का शौक था, मगर मदिरा ये अपने में बैन कर रखा था, मदिरा पीना किसी में बैन कर रखा था। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जब अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बना तो उसने क्या किया कि वो जान रहा था कि कब कब लोग मेरे ऊपर विद्रोह कर सकते हैं, साम्राज्य को हानि पहुंचा सकते हैं मेरे, जब लोग एक साथ जुट हों, ठीक है, मदिरा पिए और एक जब समारोह जो है शादी विवाह हो किसी में, कोई कबीला एक दूसरे कबीला से शादी विवाह करे,
तब ऐसा कंडीशन हो सकता है कि लोग कई लोग मिलकर मेरे खिलाफ विद्रोह पैदा कर दे। तो उसने क्या किया, पहले सुल्तान बनते ही उसने कहा कि कोई भी फेस्टिवल कोई नहीं मनाएगा, ठीक है, मतलब मिलजुल के जो सामूहिक कार्य होता है वो कोई नहीं करेगा, उसके लिए हमसे परमिशन लेना पड़ेगा कि हम ये करने जा रहे हैं, हम अपनी बिटिया का ब्याह करने जा रहे हैं, हम अपने बेटे का ब्याह करने जा रहे हैं। तो पहले सुल्तान से परमिशन लो, तब जाके आप गैदरिंग वाला काम कर सकते हो, क्योंकि गैदरिंग से सुल्तान ने रोक लगा दिया था कि कोई भी गैदर होके कोई काम नहीं करेगा दिल्ली में, ठीक है, तो ताकि विद्रोह उसके खिलाफ ना हो पाए। उसके बाद से आपका मैं कहा था चित्तौड़ पे था, तो चित्तौड़ की बात आती है तो यहाँ रानी पद्मावती जो थी काफी सुंदर थी, तो राघव चेतन इनके बारे में बताता है। अब कहानी देख लेते हैं कि इनकी पद्मावती की कहानी क्या है, थोड़ी सी इंट्रो दे देता हूं मैं आपके, जो है मलिक मोहम्मद जैसी की जो एक किताब है पद्मावत, ठीक है, ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि ये जो पद्मावती रहती हैं आपके श्रीलंका के, एक श्रीलंका के पास द्वीप है जिसे बोलते हैं आपका सिंगल जो द्वीप बोलते हैं, वहाँ की राजकुमारी रहती हैं, उनके जो पिता रहते हैं गंधर्व सेन, ठीक है, वो अपने जो है बिटिया का ब्याह जो है किनसे, चित्तौड़ के राजा रतन सेन से कर देते हैं। जब रतन सेन से कर देते हैं तो इन्हीं के जो साम्राज्य में एक पंडित रहता है जिनका नाम राघव चेतन रहता है, ठीक है, ठीक। अब राघव चेतन के कुछ उनके बीच में राजा के बीच में जो है मनमुटाव हो जाता है और राजा उन्हें निकाल देते हैं। जब राजा उन्हें निकाल देते हैं तो वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए जाके दिल्ली सल्तनत खिलजी से मिल जाता है और वो चाहता है कि रतन सेन को सजा मिले क्योंकि उसने मेरा अपमान किया है, ब्राह्मण था ही, और ब्राह्मण का जब अपमान होता है तो क्या करता है, पूरा पूरा विनाश कर देता है, ठीक है, वो संकल्प ले लेता है जब तक इसका विनाश नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ईगो पावर बहुत होता है। आप देखे होंगे जब आप चंद्रगुप्त मौर्य में आपको जब पढ़ाऊंगा वहां पे आपको चाणक्य के बारे में बताऊंगा कि जब चाणक्य संकल्प लेते हैं अपनी चुटिया बांध के, कहते हैं कि धनानंद मैं तुम्हारे साम्राज्य को क्या करूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, और वो बात सत्य होती है। इतने बड़े साम्राज्य को वो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बल पर जो है क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पे होती है और राघव चेतन अलाउद्दीन से मिल जाता है और फेंकने लगता है उसके सामने जाके कि जो रतन सेन की जो बीवी हैं रानी पद्मावती वो इतनी सुंदर हैं कि विश्व में उनसे ज़्यादा सुंदर कोई स्त्री आज तक है ही नहीं। अब अलाउद्दीन को भी जो है खुजली मचने लगती है, वो कहता है अच्छा ऐसा है तो चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहूँगा, और हर एक नायाब चीज़ को वो चाहता है कि वो मेरी हो जाए। ये अलाउद्दीन खिलजी का जो क्या था, चाहत थी, जितनी भी चीज़ें मतलब बनी हो यहाँ दुनिया में वो सब मेरे अधीन हो जाए, वो ये चाहता था। इसी फिराक में वो जब आपका चित्तौड़ पर अभियान करता है तो पहले तो वो जब जाता है तो इतनी बड़ी सेना लेके जाता है, रतन सेन के सभी लोग जो है मंत्री उन्त्री घबरा जाते हैं कि भैया हम लोग इनसे जीत तो पाएंगे नहीं। तो पहले अलाउद्दीन एक सुलह जो है अपना भेजता है कि मुझे पद्मावती को एक बार दिखा दिया जाए तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, जितना मैंने उनके बारे में सुना है। भैया अब रतन सेन को बर्दाश्त नहीं होता, उनकी बीवी होती हैं, ऐसे कोई कैसे बाहर से आके कह दिया कि भैया तुम्हारी बीवी को देखना है, बहुत सुंदर है, अब उसे बर्दाश्त नहीं होता, कहता नहीं चाहे हार जाए चाहे मर जाए मगर हम ऐसा नहीं करने देंगे। बाद में जब ये मंत्री उन्त्री लोग की राज्यसभा बैठती है उसमें लोग कहते हैं भैया अगर एक लोगों से सबकी जान बच जाए उनको दिखाने से तो राजधर्म तो यही कहता है, ठीक है, तब ये राजधर्म के उसमें पड़ जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो जैसा आप लोग सोचें सही है। उसके बाद से अलाउद्दीन आता है, नाश्ता पानी इनके यहाँ भोजन वोजन करता है काफ़ी, उसके बाद से पद्मावती को एक जो शीशा होता है उसकी तरह शीशे में उनको दिखाया जाता है। जैसे अलाउद्दीन उनको देखता है पद्मावती को एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, कहता अब तो हम इनको जो है प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। यहाँ से जाता है, उसके बाद कहता है रतन सेन जी चलिए आपने तो मेरी खिदमतदारी कर दी, कभी मुझे भी मौका दीजिए, ठीक है, ठीक है, कहते हैं रतन सेन ठीक है मैं भी दूंगा। तो ये भी क्या करते हैं, एक दिन जो अलाउद्दीन खिलजी के कबीले में जो आपका बनाया रहता है जहाँ जैसे युद्ध लड़ने जब लोग आते हैं तो पूरा का पूरा डेरा डाल लेते हैं, चारों तरफ से अपना टेंट वेंट डाल के रहने लगते हैं, तो वहाँ उनको बुलाता है रतन सेन को और धोखे से इनको किडनेप करके दिल्ली लेके चला जाता है, कहता है जब राजा हैं तो रानी तो अपने आप आएंगी, ठीक है, और राजा को रिहा करने के बदले पद्मावती को चित्तौड़ से मांगता है कि पद्मावत को कह दो कि जो है हमारे
अधीन आ जाए, हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। रानी पद्मावती भी क्या कहते हैं कि अपने पति को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाती हैं कि ठीक है हम दिल्ली जो है जाएंगे। वो भी दिल्ली जाती हैं, मगर वो भी जैसे ही अलाउद्दीन ने इनके साथ धोखा किया था रतन सेन के साथ, वैसे ही ये भी आपका क्या करती हैं, धोखा करती हैं। जो पालकियाँ जाती हैं उनमें पूरा का पूरा ये आपका चित्तौड़ की सेना लेके भर के जाती हैं और वहाँ पे आक्रमण कर देती हैं। क्योंकि जब ये चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आया होता है ना 1303 में, उसी समय मंगोल का आक्रमण हो जाता है और उस मंगोल आक्रमण में वो थोड़ा घायल हो जाता है। तो जब ये पद्मावती जाती है अपनी सेना को लेके वहाँ पे जब आक्रमण करती है तो उतना वो झेल नहीं पाता है और रतन सिंह को जो है रिहा कराकर लेके चली जाती है फिर से चित्तौड़। जब फिर से अलाउद्दीन खिलजी तंदुरुस्त होता है उसके बाद से फिर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और वही 1303 में ही आक्रमण करता है और पूरा का पूरा चित्तौड़ जीत जाता है और रतन सिंह को मार देता है। और रतन सिंह जैसे मर जाते हैं तो उनकी जो बीवी होती है पद्मावती, वो 1600 बोला जाता है 1600 स्त्रियों के साथ एक पूरा का पूरा अग्नि कुंड बनाती हैं और उसी में जौहर हो जाती हैं। ठीक, तो ये कहानी है आपकी किसकी, मोहम्मद जैसी जो लिखे हैं आपके पद्मावत ग्रंथ उसी से रिलेटेड। तो ये हो गया चित्तौड़ की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि चित्तौड़ में तो इन्होंने विजय प्राप्त कर ली 303 में, उसके बाद से 305 में ये कहाँ जाते हैं, ये मध्य प्रदेश के मालवा में जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा में अटैक करते हैं, जहाँ पे जो राजा रहते हैं वो कौन रहते हैं, महलदेव रहते हैं, उसको भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। और यहाँ पे जब चित्तौड़ पे ये जीते रहते हैं, एक बात याद रखना है, यहाँ पे चित्तौड़ को जीत कर अपने पुत्र के नाम से चित्तौड़ का नाम रख देते हैं, जो इनका पुत्र रहता है खिज खा उसके नाम से चित्तौड़ का नाम रख देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है अगर आपसे कि चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन ने क्या बदल के रखा था, तो खिज खा रखा था अपने पुत्र के नाम पर। ठीक है, उसके बाद 1305 वाला अभियान हो गया मालवा का, वहां पे आपके महलदेव जो रहते हैं उनको हराकर मालवा को मिला लेता है। उसके बाद से फिर से राजस्थान में ही आपके राजस्थान में एक जो है सिकारा जो आपका जगह है, सिवाना, सिकारा नहीं, सिवाना एक जगह है, वहाँ पे अभियान करते हैं। वहाँ पे अभियान करने के बाद उसको भी अपने में मिला लेते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जालौर आते हैं, जालौर पे अभियान करते हैं, वहाँ के जो राजा रहते हैं कन्नड़देव वहाँ पे आक्रमण करके उन्हें हरा देते हैं। और हराने के बाद आपका जो है पूरा का पूरा आपका सिवाना, ठीक है, और जालौर, ये दोनों अपने कमालुद्दीन, उनका एक ऑफिसर रहता है कमालुद्दीन कुर्ग नाम रहता है उसका, उसको दे देते हैं कि भैया तुम इस पे राज करो। तो ये जितना नॉर्थ में अटैक करते हैं ना, उत्तर भारत में जैसे रथम्बोर, चित्तौड़, गुजरात और जो आपको मैंने बताया मालवा, ठीक है, जालौर, सिवाना, इन सब पे जो अटैक करते हैं, इनका ये मकसद होता है कि इन सबको अटैक करके अपने दिल्ली सल्तनत जो है साम्राज्य है उसके अंतर्गत कर दिया जाए। मतलब वहां पे जो भी राज करेगा वो जो है अलाउद्दीन का जो होगा कहीं ना कहीं खास होगा, उन्हीं का ऑफिसर होगा। ठीक है, बाकी जो साउथ का अभियान होता है वो अलग होता है, साउथ का अभियान इस पे नहीं होता, इस तर्ज पे नहीं होता। साउथ का अभियान ये लोग सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि उनको हरा दें, उनको अपने अधीन कर लें और कहें कि भैया तुम इसके बदले मुझे पैसा दो, राज तुम ही करोगे, जिनका जहां राज्य है वही करेगा। ये साउथ का इनका जो होता है अभियान रहता है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ के बारे में। अब साउथ के बारे में जिक्र कर लें कि साउथ पे आक्रमण कहां कहां जो है आपका अलाउद्दीन करता है। तो पहला आक्रमण जो है, सबसे पहले जो साउथ में किया रहता है, वो 1302 से 1303 के बीच में आपका आक्रमण किया रहता है। ठीक है, कहां पे किया रहता है आपका, वारंगल में किया रहता है, जो तेलंगाना में है इस समय, जो है वर्तमान में वो तेलंगाना में है। तो इस समय 1302-1303 में अलाउद्दीन करता है मगर हार जाता है, हार के वापस चला जाता है। अब इस हार का बदला भी लेना रहता है उसे, इसीलिए जब वारंगल पे आक्रमण करता है तो एक तो कारण यह भी बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जब 1302 और 1303 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, हार गया था तो उसका बदला लिया था। अब देखो पहला अभियान जो साउथ में करता है वो कहां करता है, महाराष्ट्र के देवगिरी में करता है। ठीक है, महाराष्ट्र के देवगिरी में करता है पहला अभियान। यहां पे जो राजा रहते हैं कौन होते हैं, रामचंद्र देव रहते हैं। ठीक है, और यहीं पे कर्ण बघेल जो है वापस आए होते हैं, कहां से, गुजरात, जब इनको आक्रमण किया गया होता है तो यहां पे भाग आके यहां पे छिप जाते हैं यहां पे। और यहां पे अभियान करने के लिए कौन कौन आता है देवगिरी पर, यहां पे आते हैं आपके मलिक कफूर और अल्प खां,
जो मैंने आपको बताया ना, उनके जो कुछ मेन मेन सेनापति होते हैं, ऑफिसर होते हैं, तो उनमें से यहाँ नुसरत खान तो मर जाता है, ठीक है, उलुग खान रहता है तो वो इन अभियान में रहता है, जितने भी नॉर्थ में होते हैं। साउथ के अभियान में अल्प खान और मलिक कफूर आता है। मलिक कफूर का नाम साउथ के अभियान के लिए ही फेमस है। तो यहाँ पे आक्रमण करता है अल्प खान, जो है कर्ण बघेल को से उनकी लड़ाई होती है और उसको मार देता है। और यहाँ पे देवगिरी पर रामचंद्र देव जो हैं आपके किससे भिड़ जाते हैं, मलिक कफूर से भिड़ जाते हैं, फिर हार मान जाते हैं, ठीक। और उन्हें मलिक कफूर क्या कहता है, कहता ठीक है आप देवगिरी पर ही रहो, राज करो, मगर आप इसके बदले में जो पैसा, क्योंकि इससे पहले भी 1296 में देवगिरी पर अलाउद्दीन ने अटैक किया था और यहीं से धन प्राप्त करके अपना सेना सैनिक तैयार करके जलालुद्दीन को मार दिया था। बाद में ये अपना जो है पैसा देना बंद कर देते हैं। तो ये कारण ये भी है कि यहाँ पे अटैक होने का एक कारण ये है कि ये यहाँ पे चले जाते हैं कर्ण बघेल, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे आक्रमण होता है, तो ये मान जाते हैं। और इन्हें मलिक कफूर जो है राय रायान की उपाधि देता है और इनको पैसे भी देता है, और साथ ही साथ गुजरात का जो किला, रणथंभौर का जो किला होता है, वो भी कहता है कि आप ही संभालो, ठीक है। तो इन सब का देने के बाद इनसे कहता है कि जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आप जो है सुल्तान के खाते में भेजना है, आपको जो बचेगा। ये मान जाते हैं, कहते भैया हम आपसे तो जीत सकते ही नहीं है, इतनी बड़ी सेना है भाई, अलाउद्दीन खिलजी को उससे जीत तो ये सकते नहीं थे, मान जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं ठीक है, मैं अपनी सेना का योगदान भी आपका करूंगा, जो आप आगे जो है आक्रमण करने जा रहे हैं, मलिक कफूर को कहता है। तो इनकी सेना जो है मलिक कफूर की वारंगल जब आक्रमण होता है वहां पर जो है सहायता करती है। तो 1310 1311 बोला जाता है आपका, यहाँ पे जब देवगिरी में आक्रमण हुआ था तो ये 1306 था। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पे जब गुजरात पे ये आक्रमण करते हैं 1299 में, तो कर्ण बघेल की जो बीवी रहती है, कुछ इतिहासकार मैं मानता हूँ कि ये जो देवगिरी पे आक्रमण करने का एक और कारण बताते हैं, जो ये गुजरात पे आक्रमण होता है इनकी जो बीवी होती है कर्ण बघेल की, कमला देवी, इनको किडनैप कर लिया जाता है उलुग खान और नुसरत खान के द्वारा और दिल्ली भेज दिया जाता है। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी उनसे शादी कर लेता है और मलिके जो है जहां की उपाधि देता है, मलिके जहां की उपाधि इनको देता है। उसके जो इनकी बिटिया रहती है वो कर्ण बघेल के साथ देवगिरी में चली जाती होती है, तो कमला देवी अपनी बिटिया से मिलना चाहती हैं। इस वजह से भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन को कहते हैं कि हमें अपनी बिटिया से मिलना है, तो इस वजह से भी आक्रमण होता है देवगिरी पे। तो देवल देवी उनका नाम रहता है, तो देवल देवी को फिर से जो है वो दिल्ली भेज दिया जाता है। और देवल का जो विवाह होता है वो अलाउद्दीन के जो पुत्र होते हैं खिलजी खान उनसे हो जाता है। आगे फिर से ये मलिक कफूर अपना अभियान चालू रखता है और 1310 या 1311 के बीच बोला जाता है कि कहाँ पहुंचता है, वारंगल तेलंगाना पे पहुंचता है, जहां से अलाउद्दीन खिलजी 302 और 300 दिन के बीच में जब आक्रमण किए थे हार गए थे, तो उसका बदला लेता है। और यहाँ पे किसकी जो है कौन राजा रहता है, काकतिया वंश का जो रहता है आपका राज रहता है, जिसके जो राजा रहते हैं वो कौन रहते हैं, रुद्र प्रताप, जो रुद्र प्रताप देव रहते हैं वो आपके सेकंड रहते हैं, रुद्र प्रताप सेकंड जो होते हैं आपके वारंगल के राजा रहते हैं, वो भी हार मान जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो जाते हैं, कहते हैं कि हम आप ही के अधीन काम करेंगे, ठीक है। ये भी हो गए और ये भी जो है अपनी सैनिक जो है क्या करते हैं, मलिक कफूर को दे देते हैं कि आप आगे के अभियान के लिए मेरे भी सैनिक का हेल्प ले सकते हैं। फिर आगे जो है ये फिर से 1310 के बाद 1311 ये भी था, और 1311 के ही समय में, ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, पहुंच जाते हैं द्वार समुद्र पहुंच जाते हैं जो कर्नाटक में है, ये भी 1311 में ही होता है, ये भी 1310 और 1311 में ही होता है। आपसे इसका डेट तो नहीं पूछेगा, बस ये पूछता है जब क्वेश्चन आता है आपसे तो ये पूछता है कि जब वारंगल में हुआ था तो आपका वहां पे किसका जो है राज था, किस डायनेस्टी थी, कौन सा वंश था, तो काकतिया वंश था। आपका देवगिरी में जब हुआ तब कौन सा वंश था, तो वहाँ पर यादव वंश था, यादव वंश के जो राजा थे रामचंद्र देव थे। द्वार समुद्र पे जब आपका होता है कर्नाटक में अटैक, तो उस समय वहाँ पे कौन सा वंश था, तो वहाँ पे होयसाल वंश था, उसके राजा कौन होते हैं, आप भल्लाल देव, जो मूवी देखे होगे ना भल्लाल देव थर्ड, वो होते हैं, उनको हराता है। और हराने के बाद फिर आगे जो है यही भल्लाल देव थर्ड जो है मदुरई तक का रास्ता बताते हैं कि आप मदुरई जाओ वहां पे अटैक करने के लिए, तो ऐसे पूरा का पूरा मदुरई पे ही अटैक करते हैं। तो मदुरई पे यहाँ पे पहुंच जाते हैं किसके हेल्प से, आपके भल्लाल देव थर्ड के हेल्प से पहुंच जाते हैं, मदुरई पे अटैक करते हैं। ये तमिलनाडु में पहुंच गए, समझ लो यहाँ कर्नाटक था, ठीक है, और यहाँ मदुरई कहाँ है आपका,
तमिलनाडु में है। तो यहाँ तमिलनाडु पे अटैक करते हैं, यहाँ पे काफी मंदिर उन्दिर तोड़ते हैं, काफी मात्रा में इतिहासकार बोलते हैं कि जो ये आपका मदुरई का अटैक था जहाँ पे पांड्य डायनेस्टी थी, वहां से इनको काफी मात्रा में धन दौलत प्राप्त होता है। यहाँ पे कौन होता है पांड्य डायनेस्टी में, क्योंकि आपसे कूट में जो है पीसीएस में इसी बार पूछा था क्वेश्चन 2019 में, पूरा का पूरा दे दिया था कि आपका पांड्या वंश दे दिया था, होयसाल वंश दे दिया था और ये दे दिया था, और आगे आपका अगला जो दूसरा वाला जो सेक्शन था उसमें दिया था कि कहाँ कौन कौन राजा थे उसके, ठीक है। तो पांड्या वंश में आपके वीर पांड्या रहता है और एक इनका भाई सुंदर पांड्या रहता है, दोनों जो है राज सिंहासन के लड़ते रहते हैं। जब आक्रमण होता है तो मलिक कफूर करता है तो ये भाग खड़े हो जाते हैं, ये अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, ये फरारी रहते हैं, इनका पता चलता नहीं है, ठीक। चलो तो ये पूरा का पूरा अभियान हो गया कि इनका कैसे नॉर्थ में अभियान था, इनका साउथ में अभियान कैसा था, कैसे अपने साम्राज्य को विस्तार किए। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ मंगोल का आक्रमण होता है, जितना मैंने आपको बताया सब ये नोट्स में पूरा का पूरा छपा हुआ है, कुछ भी आपको जितना मैंने मैप के थ्रू आपको कहानी बता दिया वही वही सब चीजें यहाँ पे है। गुजरात अभियान कब हुआ था, रणथंभौर अभियान कब हुआ था, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं कुछ हम मंगोल आक्रमण पर, ठीक है, कि उसी समय ऐसा नहीं था कि इन्हीं लोगों से अलाउद्दीन खिलजी जूझ रहा था, मंगोलों से भी जूझ रहा था, क्योंकि बीच बीच में मंगोल की आदत ही थी, हमेशा आक्रमण करते थे, जब भी उन्हें खाने पीने की कमी होती थी ना तो भारत पे आक्रमण करते थे, जानते थे यहाँ पे आक्रमण करेंगे हमें तो मिल जाएगा खाने पीने भर की व्यवस्था हो जाएगी, तो उनकी नियत थी जब भी उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी धन संपत्ति खत्म हो गई है तो चलो भैया एक बार और भारत पे आक्रमण कर दे। तो जैसे थोड़ा सा भी पूरा वो भी पूरा आक्रमण नहीं करते थे, मुल्तान सिंध के आसपास का इलाका लूट लेते थे तो उतने में ही उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी, ठीक है। दिल्ली तक तो बहुत कम ही बार आए हैं वो, इसी में एक बार जब दिल्ली तक आते हैं, जब चित्तौड़ पे आक्रमण करने 1303 पे जाता है अलाउद्दीन खिलजी, उसी समय वो तुरंत भाग के दिल्ली आता है क्योंकि उस समय दिल्ली तक मंगोल पहुंच जाते हैं, ठीक। तो देख लेते कब कब इनका आक्रमण हुआ था, कौन कौन जो उस समय मंगोल का जो आक्रमण करने में सेनापति था मंगोल का। तो प्रथम मंगोल आक्रमण जो इनके काल में हुआ था आपके अलाउद्दीन खिलजी के 97 और 98 के बीच में हुआ था, जिसमें जो नेतृत्व कर रहे थे मंगोल का वो कौन कर रहा था, कादर खां कर रहा था, ठीक है। इसे जो है ये क्या आता आता है आपका पूरा का पूरा मुल्तान जो है लूट कर लेके चला जाता है। फिर दूसरा जो होता है आक्रमण होता है वो 1299 में होता है, वो किसके नेतृत्व में होता है, सल्दी के नेतृत्व में होता है, ये भी सफल रहता है मंगोलों का आक्रमण, ये जो है खाली लूटने के पर्पज से करते हैं। उसके बाद से आ जाओ तीसरा जो आक्रमण होता है, ये आपसे कहीं पूछता नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1299 में होता है, ठीक है। इसके जो सेनापति होते हैं आक्रमण करने वाले का उनका नाम होता है कुतलुक ख्वाजा तरगी के नेतृत्व में होता है ये आक्रमण। तरगी जो है क्या करता है, इनको जो मैंने बताया था ना एक जाफर खान नाम रहता है एक इनके सेनापति का अलाउद्दीन का, वो इससे लड़ता हुआ मारा जाता है। तो यहाँ जाफर खान भी मर गया, नुसरत खान भी मर गया था, तो यहाँ जाफर खान भी मर गया है आपका, ठीक है। उसके बाद से चौथा जो आक्रमण होता है वो 1301 में होता है, ठीक है, 1301 में होता है, जो तरगी होता है ये आक्रमण करता है, इसी में कहां पहुंच जाता है, ये आक्रमण करते हुए सीरी पहुंच जाता है, दिल्ली के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। यही जो है दिल्ली के आसपास चौथा आक्रमण हुआ था, इसी को जब अलाउद्दीन खिलजी रोकता है तो इसमें घायल हो जाता है वो, ठीक है। पांचवा आक्रमण जब होता है ये कब होता है, 1303 में होता है, इसमें तीन लोग सेना थे मंगोलों के, एक था अली बेग, तरताप और तारगी, ठीक है, ठीक। ये तीनों सेना थे और तीनों जो है हार जाते हैं, क्योंकि यहां जो आपका लड़ने वाला होता है वो कौन होता है, मलिक कफूर और गाजी मलिक। ये गाजी मलिक कौन है, गैसुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक कहा जाता था किसे, गैसुद्दीन तुगलक को। तो जैसे ही आपका ये खिलजी वंश समाप्त होगा तो ये तुगलक आपका वंश शुरुआत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गाजी मलिक है इसकी जो पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि आपका जो इधर आपका वेस्ट साइड में जो मुल्तान है, सिंध है, आपका पूरा का पूरा ये पंजाब इलाका है, इन सब पे जो आक्रमण होते थे मंगोलों का सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन करता था, गाजी मलिक ही कंट्रोल करता था। जब साउथ अभियान करने के बाद मलिक कफूर जो है फिर से वापस आता है तो वो भी चला जाता है कहां पे, गाजी मलिक का ही साथ देने लगता है कि जो आपके मंगोल आक्रमण हो रहे हैं उसे रोका जा सके।
उसके बाद से छठवां और लास्ट आक्रमण कुछ इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि यही आपका इनके काल में जो है आपके अलाउद्दीन के काल में लास्ट आक्रमण था 1306 में, जिसमें कबक, इकबालमंद, ताइबू ये तीन लोग आते हैं और तीनों लोगों को, ठीक है, तो ये गाजी मलिक और आपका मलिक कफूर दोनों मिलके इसको फिर से हरा देते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसका जो पावर है मलिक आपका गाजी मलिक का बढ़ता जाता है और जब इसका खिलजी वंश का अंत होता है तो सीधे तुगलक वंश की जो नींव रख दी जाती है। तो ये तो पूरा का पूरा हो गया मंगोल आक्रमण का। अब इन अभियानों से बचने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी काफी व्यवस्था किया था और मेन व्यवस्था यही था, उसने क्या किया, आधुनिक जो है हथियार जो है तैनात किए थे और जो किले बलबन ने बनवाए थे उसको और मजबूत कराया था। ठीक, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आपका मलिक कफूर है, जो आपका देवगिरी था, मैप कहाँ गया, इस मैप में बता दूं जो देवगिरी था ये 1306 पे जब आक्रमण हुआ था ना इसमें, तो ये फिर से बाद में जब रामचंद्र देव 1313 में मर जाते हैं, 1313 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो बेटा रहता है शंकर देव वो फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर लेता है, मतलब स्वतंत्र घोषित कर लेता है कि भैया अब हम जो अलाउद्दीन के इशारों पे काम नहीं करेंगे। तो जब मलिक कफूर यहाँ से 1311 से मदुरई से लौटता रहता है तो वापस जाते समय इनसे निपट जाता है, निपटा देता है इनको भी, और पूरा का पूरा देवगिरी को क्या करता है जो दिल्ली सल्तनत के जो होता है उसके अधीन कर लेता है। मतलब यहाँ पे फिर से कौन अधिक हो जाता है, यहाँ पे दिल्ली के ही मतलब अलाउद्दीन का ही कोई चहेता जो है नियुक्त किया जाता है देवगिरी पे। फिर बाद में जो है इनका जो पुत्र होता है हरमपाल देव नाम रहता है शंकर देव का, वो आता है, वो कहता है कि साहब हम आपके अधीन जो है देवगिरी पर राज करेंगे। तो अलाउद्दीन उनसे खुश होकर कहता है ठीक है भैया तुम ही करो देवगिरी पे, क्योंकि तुम्हारे जो है वहाँ पे पूर्वज रहे हैं तो तुम ही राज करो। तो हरमपाल देव जो है वहाँ पे राज करने लगते हैं अलाउद्दीन खिलजी के उसमें। तो देवगिरी पे दो बार आक्रमण होता है, एक बार 1306 पे होता है और एक 1313 में होता है, दोनों बार मलिक कफूर ही करता है। ठीक है, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के जो राज्य विस्तार नीति थी उसके बारे में मैंने आपको बात कर लिया। अगला लेक्चर जो हमारा होगा इस पे वो होगा कि इसके प्रशासन कार्य कैसे रहे, ठीक है, इसने क्या क्या व्यवस्थाएं की अपना प्रशासन चलाने के लिए, ठीक, किसकी किसकी सहायता की, कितने जो है पोस्ट इसने निकाले, कौन कौन से मंत्रालय बनाया, इन सब के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा।